और आप सब जिनके हाथों में है जरा आप भी दिखा दें। सभी यहां पर जितनी हमारी इसमें एक पुस्तक है उसका विमोचन भी, ये पूरा किट है जिसमें आपके सामाजिक आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सूत्र दिए गए हैं कि किस तरह से महिलाएं उद्यम से जुड़ें, आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हों और जागरूकता के माध्यम से अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को भी अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए विकसित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। 75,000 महिलाओं को ये किट आज दिए जाएंगे। प्रतीकात्मक रूप से कुछ महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर ये किट प्रदान करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूँगी कि आज इन कुछ महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण किट प्रदान करें। मैं नाम बुला रही हूँ, शालिनी सिंह, शालिनी सिंह, और आप सब तालियां बजाकर इन्हें अपनी शुभकामनाएं देंगे। विभा मौर्या, सभी के साथ ताली बजनी चाहिए। मीनाक्षी श्रीवास्तव, कंचन श्रीवास्तव, संध्या सोनकर, रेशु राय, पूनम राजदेव, आयुषी गौतम, पूजा श्रीवास्तव, वंदना साहू, आफरीन फातिमा, नाजनीन बानो, बहुत बहुत धन्यवाद माननी। वास्तव में ये कौशल विकास प्रशिक्षण किट ही नहीं, आपके स्वावलंबन, आपके सम्मान और आपके परिवार की आत्मनिर्भरता के साथ साथ सबलता और सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण उपहार आपको दिया गया है, जिससे आप अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। जैसा कि आपको बताया गया कि भारतीय डाक विभाग के सहयोग से एक जनपद एक उत्पाद पर एक विशेष आवरण का निर्माण किया गया है और साथ ही एक विशेष विरूपण भी का भी निर्माण किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इस विशेष आवरण का अनावरण करें। पहली बार एक रिकॉर्ड बन रहा है, एक साथ एक ही दिन एक ही समय में 75 जनपद में ये भारतीय डाक विभाग द्वारा एक जनपद एक उत्पाद के विशेष कवर का अनावरण हो रहा है। साथ ही इसी पर आधारित एक विशेष विरूपण का भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन समस्त अतिथि करेंगे। श्री कौशलेंद्र सिन्हा जी, चीफ पोस्टमास्टर जनरल, ने उपलब्ध कराया है माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी के साथ मंचासीन अतिथियों के साथ इसका इस विरूपण का लोकार्पण आप देख सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ एक रिकॉर्ड बन रहा है भारतीय डाक विभाग का, एक ही दिन में एक ही समय में 75 जनपद में ये विशेष कवर और विशेष विरूपण का अनावरण और लोकार्पण हो रहा है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश तो कीर्तिमान स्थापित करने के लिए ही अब जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन, इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। समग्र विकास के साथ साथ नारी शक्ति की सुरक्षा भी हो, उसका सम्मान भी हो और वो सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, अपनी ईमानदार सोच, साफ नीयत और दमदार कामों से आज
सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास के साथ साथ एक अलग सुरक्षित परिदृश्य का भी निर्माण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे बहुत ही आदर के साथ कि आज के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें एक नई प्रेरणा और बल दें।